अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारी इंटरव्यू के बारे में, और ये जो वीडियो है मैं खास करके, ये मोहम्मद अदील है जो नौजवान इंजीनियर है, तो ये कॉन्ट्रेक्टरशिप का काम करता है जिसमें HVAC और फायर फाइटिंग और मुख्तलिफ जो सिस्टम है उनकी इंस्टॉलेशन का काम करते हैं। तो इनसे पूछते हैं और इनसे मालूम भी हासिल करते हैं कि नौजवान इंजीनियरों को इस फील्ड में आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जहाँ उसको जॉब करनी चाहिए या कॉन्ट्रेक्टरशिप का काम करना चाहिए, तो अपना काम करने में फ़ायदा है या फिर जॉब पे ही चलना चाहिए, और साइड में जो कॉन्ट्रेक्टर होते हैं उनको किस मरहलों से गुजरना पड़ता है और कौन सी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, और क्लाइंट या मुख्तलिफ लोगों से किस तरह से डील किया जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं, जैसे हम HVAC और MEP की कुछ नॉलेज हासिल कर सकें। वालेकुम अदील अहमद, थोड़ा अपना, हमारे जो कलीग हैं उनको अपना इंट्रोडक्शन बताएँ, और उसके बाद हम एक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वालेकुम सलाम तनवीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात रखने का। मेरा नाम मोहम्मद अदील है और मैं एक छोटी सी फर्म चलाता हूँ डेल्टा इंजीनियरिंग सर्विसेज के नाम से। हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क होता है ज़्यादातर HVAC, फायर फाइटिंग, कंप्रेसर सिस्टम, बॉयलर सिस्टम, थर्मल ऑयल पाइपिंग और लाइट गेज, हैवी गेज स्ट्रक्चरल वर्क। हमारा जो एक्सपर्टीज़ होती है पाइपिंग में, चाहे वो MS हो, SS हो और डक्टिंग हो, वो भी MS हो, SS हो, GI हो, कोई भी हो, और इंसुलेशन, क्लैडिंग और लाइट गेज, हैवी गेज स्ट्रक्चरल वर्क, उसमें आप प्लेटफॉर्म्स होता है, स्टेयर्स होती हैं, कोई भी स्ट्रक्चरल वर्क होता है हम करते हैं। अदील अहमद, आप एक नौजवान इंजीनियर हैं, तो आप नौजवान इंजीनियर को क्या रिकमेंड करेंगे कि उनको जॉब करनी चाहिए या डायरेक्ट बिजनेस में आना चाहिए या अपना काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ अर्सा जो ऑपरेशन मेंटेनेंस का भी काम किया है और एग्जीक्यूशन इंस्टॉलेशन का काम किया है एज अ एम्प्लॉई होकर, और अभी अपना काम कर रहे हैं, तो आप नौजवान इंजीनियरों को इसके बारे में क्या रिकमेंड करेंगे? जो नौजवान इंजीनियर्स हैं उनको यही सजेशन दूंगा कि सबसे पहले डिग्री मुकम्मल हो तो सबसे पहले जॉब करें, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल अपने फील्ड में कंसर्न, कोई भी फील्ड हो, HVAC MEP कोई भी फील्ड हो रिलेटेड, जो है ना, एक्सपीरियंस हासिल करें, एक्सपर्टीज़ हासिल करें, और उसके बाद स्टेप को थोड़ा सा और बढ़ा के बिज़नेस की तरफ आएँ। हमारी जिस तरह की हमारी फील्ड है, कॉन्ट्रेक्टर फील्ड है, उसमें बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ 60% लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो या तो अंडर मेट्रिक होते हैं या बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, वही कंपनी चला रहे होते हैं, या सबलेट जैसे हम लेबर पर काम करते हैं, अक्सर लेबर के कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते। तो मेरी सजेशन तो नौजवानों से यही है कि पहले जो है ना जॉब करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, एक्सपर्टीज़ हासिल करें, जब समझते हैं कि नहीं हम पूरा उतरेंगे अब अपनी फील्ड में, अब समझ गए सारी चीज़ों को, तो फिर बिज़नेस की तरफ आएँ। शुरू में 1-2 साल थोड़ा सा फाइनेंशियली बंदा डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, कमिटमेंट के साथ आप चलेंगे, इंशाल्लाह इसका फ़ायदा बहुत है। तो क्योंकि मेरे हिसाब से एक जो जॉब वाला जो बंदा है ना, वो अपने अखराजात ही निकाल सकता है जॉब के अंदर, बीवी बच्चे पालेगा बस, उसके बाद ख़त्म। लेकिन एक जो बिजनेसमैन होगा वो मेरे हिसाब से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, गरीब से अमीर हो सकता है उसकी कोशिशों से, कावशों से, मेहनत से, वो नस्लें पाल सकता है, बजाय एक जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी एक नस्ल ही बमुश्किल जो है ना पाल सकता है ना। तो दूसरा सुन्नत नबवी भी है कि कारोबार करें, इसमें बरकत भी है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, साबित कदम रहें, अल्लाह ताला मदद फरमाता है। तो मेरा मशवरा तो यही है कि कारोबार करें। अच्छा मोहम्मद अदील, आपने अक्सर जैसे काम किए होंगे तो उसमें कुछ काम ऐसे होते हैं तो क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट काम जो है कॉन्ट्रेक्टरों को दे देता है और कंसल्टेंट के बाईपास करके देता है, क्योंकि वो बाईपास होता है तो वो कंसल्टेंट की जो डिज़ाइन रिक्वायरमेंट होती है जो स्टैंडर्ड को मीट करती है, तो वो तो आपको पता नहीं होगी, तो फिर इसमें क्वालिटी का या काम में किस तरह से आप देखते हैं, तो वो क्वालिटी मेंटेन होती है या नहीं होती, क्योंकि वो कंसल्टेंट को बाईपास करके काम कॉन्ट्रेक्टर को डायरेक्ट किया दिया जाता है, क्या वो डिज़ाइन कॉन्ट्रेक्टर खुद देखता है या उसको डिज़ाइन की मालूमात होती है या खुद ही अपने अंदाजे पर या अपने एक्सपीरियंस पे वो काम को डील करता है? जी तनवीर भाई, नॉर्मली जितना भी अभी मैंने काम किया है अपनी इस फील्ड में ना, तो मैंने तो डायरेक्ट ही क्लाइंट के साथ काम किया है, बहुत कम काम किया है, ऐसा समझ लगे 20% मैंने काम किया है कि जहाँ पर कंसल्टेंट हो।
जहाँ पर कंसर्न नहीं होता हमारे यहाँ बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, क्वालिटी में हैं और डिज़ाइन के हवाले से भी ना। और मैं समझता हूँ कि कंसर्न का होना और उसकी सुपरविजन ये लाजमी है, ताकि जो वो डिज़ाइन कर रहा है उसके हिसाब से ही जो है ना काम हो। ज़्यादातर क्लाइंट क्या करता है कि कंसल्टेंट को बाईपास कर देता है, ताकि डिज़ाइन के जो एक्सपेंस है वो बचाने के चक्कर में। अब ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं अपने सीनियर से रब्ता करके थोड़ा बहुत मैं मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे जैसे छोटे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, उनका एक्सपीरियंस होता है लेकिन पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो फिर जो है ना अपने एक्सपीरियंस के बिना पे छोटे मोटे इधर उधर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ है ये वो करके रेट कम करके जो है ना काम तो कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या होता है कि नेक्स्ट 1-2 साल 3 साल के बाद जो है ना उसमें इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो क्वालिटी में हो, ऑपरेशन में हो, मेंटेनेंस में हो, रिप्लेसमेंट हो उनकी ना। तो मेरी सजेशन यही होती है कि हमेशा जो मैं तो कोशिश करता हूँ गर्लफ्रेंड हो, लेकिन क्लाइंट जो है ना हमेशा जो है ना कहते हैं कि नहीं यार थोड़ा सा बजट आउट हो रहा है, तो उसको जो है ना कवरअप करने के लिए ना तो डिज़ाइन को बाईपास करके जो है ना वो काम करवा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस बहुत बुरा भी है, क्योंकि डिज़ाइनर को पता ज़्यादा पता होता है डिज़ाइन और सुपरविजन का ना। अच्छा आदिल अहमद, ये बताएं जब आप कॉन्ट्रेक्टरशिप में मुख्तलिफ पाइप्स आप इंस्टॉल करते हैं, जैसे चिल वाटर और HVAC के पाइप्स यूज़ होते हैं, वो MS के पाइप्स यूज़ होते हैं, मगर कुछ पाइपों की लाइफ ज़्यादा होती है और कुछ पाइप की लाइफ बहुत कम होती है, उसका क्या रीज़न होता है? और क्योंकि फिर कॉन्ट्रेक्टर जो काम कर रहा होता है वो क्या क्वालिटी का मसला होता है या पाइप की कुछ और चीज़ों का मसला होता है, क्योंकि आप इस फील्ड में रह रहे हैं और काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो फिर ये जो मसले होते हैं, तो क्योंकि आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर क्लाइंट आपको काम भी नहीं देगा, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है या क्या राय? जी तनवीर भाई, असल में जो MS पाइप होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी जो है ना कंपोजिशन कैसी है, केमिकल कंपोजिशन, और जहाँ पर लग रहा है उस सॉइल की कंडीशन कैसी है, और क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, और जो हमारा फ्लूइड होता है उसके अंदर उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, सारी चीज़ें ये मिला के फिर ये इफ़ेक्ट करती है इसकी पाइप की क्वालिटी के ऊपर ना। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस होती है वो जो इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे वाटर ट्रीटमेंट, वो भी हमारे यहाँ प्रॉपर नहीं होती, इस वजह से पाइप जल्दी गल जाता है, और एक्सटर्नल जैसे कि हमारे ह्यूमिड जैसे कराची है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी पाइप बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाता है। उससे बचने के लिए बाहर तो हम कर सकते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट होती है वो तो ऑपरेशन वाले चेक करते हैं ना, लेकिन हम जो इंस्टॉलेशन करते हैं हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि एक कोट लगा दिया रेड ऑक्साइड का, उसके बाद एक इनेमल का लगा दिया, उसके बाद जान छुड़ा दी, लेकिन उसूलन तो मेरे हिसाब से होना चाहिए 2 कोट रेड ऑक्साइड के होने चाहिए और 2 ही इनेमल के होने चाहिए, ताकि उसकी लाइफ जो है ना पाइप की बढ़ जाए। एक दूसरा, जब हम पाइप को ज्वाइंट लगा रहे होते हैं तो अगर वेल्डिंग भी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर भी जो है ना कोरोजन जल्दी इफेक्ट करती है ना। जैसे बहुत सारे वेल्डर क्या आते हैं 2 पास लगा के जान छुड़ाते हैं, ठीक है ना, 1 पास लगा के जान छुड़ा लेते हैं, तो उससे भी जो है ना वहाँ कोरोजन बहुत जल्दी हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में जो HVAC का या MEP वर्क का स्कोप है या नहीं है, और इसके अलावा जो बाहर मुल्क में भी इसी काम का स्कोप है या नहीं, क्योंकि अक्सर जो ये मेरी वीडियोज़ है वो नौजवान इंजीनियर देखते हैं जो HVAC और ME फील्ड से वाबस्ता हैं, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे जो HVAC की फील्ड है या MEP की फील्ड है, तो इसमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? HVAC और MEP का पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है जितना यूरोप और गल्फ में है ना। HVAC का थोड़ा बहुत है, फायर फाइटिंग का बहुत कम था कुछ अर्सा पहले, अब जाके एक ट्रेंड बना है, अब लोग जो है ना फायर फाइटिंग की तरफ आ रहे हैं और सिस्टम लगवा रहे हैं, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है पाकिस्तान में। फायर फाइटिंग का पाकिस्तान में इस वजह से भी नहीं है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है प्रॉपर ना, जो होना चाहिए वो भी बहुत जो है ना लेजीनेस शो करते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लाई जो है ना, कोई बिल्डिंग चेक नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते ना, डिज़ाइन है कुछ भी नहीं है ना। इस वजह से क्लाइंट भी कहता है कि छोड़ छोड़ यार इसको जो है ना क्या करेंगे, ये कामकाजी का खर्चा है, ज़्यादातर क्लाइंट ऐसा ही सोचते हैं। अच्छा, दूसरा ये हमें बताएं कि अक्सर जैसे किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को काम मिल जाता है तो वो क्वालिटी काम की मेंटेन नहीं करते हैं, क्योंकि काम में अक्सर देखा गया है तो वो 2 नंबरी भी हो जाती है, जहाँ वो जो अवार्ड काम होता है उसके हिसाब से नहीं होता, तो आप एज अ कॉन्ट्रेक्टर रह चुके हैं तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि अक्सर जैसे कोई भी पाइप आपको इंस्टॉल करना है तो वो लिखा शेड्यूल 40 का होता है और वो इंस्टॉलेशन 20 की हो जाती है, या कोई वाल जो है वो भी लोकल वाल इम्पोर्टेड की जगह यूज़ हो जाते हैं,
तो ये अक्सर हमने देखा है, और उसकी वजह से प्रोजेक्ट भी सफ़र करता है और कॉन्ट्रेक्टर को ज़ाहिर है वो आगे काम तो मिलेगा नहीं अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेगा। तो इसके बारे में भी आप अपना एक्सपीरियंस हमारे दोस्तों के साथ शेयर करें। जी तनवीर भाई, कॉन्ट्रेक्टर डिसऑनेस्टी तो है, इसमें मैं दोहरा नहीं है, मैं खुद एक कॉन्ट्रेक्टर हूँ, अल्लाह ताला इसी से बचाए, लेकिन लोग करते हैं, कॉन्ट्रेक्टर करते हैं, दो नंबर होती भी हैं। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, एक तो लो बजट पे लो कोड दे के बंदा काम कर लेता था, थोड़ा बहुत पैसा में बच जाएगा, चलो कर लेते हैं, उसमें फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। दूसरा क्लाइंट की तरफ से भी होता है, उसका भी यही कोशिश होती है कि कम से कम रेट में हम प्रोजेक्ट को करवा लें। अब क्लाइंट भी अगले को मौका देता है कि भई आप जो है ना हमें चूना लगाएं, अल्लाह माफ़ करें, तो उस चक्कर में जो है ना फिर लोग जो है ना दो नंबरी करते हैं, कोई आदतन करते हैं, कोई लालच होती है उस वजह से करते हैं, और कभी कभी क्लाइंट भी मौका दे देता है कि रेट इतना लो कर देता है ताकि जो है ना वो दो नंबरी करे, मजबूरन करे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तो कोशिश है कि इस चीज़ से बचा जाए, लेकिन इधर थोड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान में ये चीज़ जो है ना इससे बचना बहुत मुश्किल है। आपने आज तक जो काम किए हैं प्रोजेक्ट में, तो वो किस नौयत के काम किए और कहाँ कहाँ काम किए, जैसे हमारे कुलीग जो हैं वो भी आपके काम से वाबस्ता हो सकें, तो वो आपने कहाँ कहाँ काम डिलीवर किए और किस किस्म के काम किए? जी तनवीर भाई, मैंने ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स किए हैं पाइपिंग के किए हैं, डक्टिंग, इंसुलेशन, क्लेडिंग, स्ट्रक्चरल वर्क जिसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, स्टेयर्स हैं, और कराची में काम किया है, नेवल डिपो पे काम किया था, फायर फाइटिंग का था, पाइपिंग थी, रावण में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मैंने काम किया है, पैकेजेस है, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और डाइंग की है तो उसमें भी मैंने काम किया है, एमएस पाइपिंग, एसएस पाइपिंग, स्ट्रक्चरल वर्क ये मैंने काम किया है, डक्टिंग का राउंड हो, स्क्वायर हो, और क्लेडिंग, इंसुलेशन क्लेडिंग, इंसुलेशन क्लेडिंग, रॉक वूल हो, ग्लास वूल हो, थर्मापोर हो, पीयू हो, उसका भी मैंने काम किया है, फैसलाबाद में मैंने काम किया है। अल्लाह का शुक्र है इस फील्ड में हम एक्सपर्टीज रखते हैं, और लेबर भी अल्हम्दुलिल्लाह है हमारे पास इतनी कि हम दो तीन प्रोजेक्ट एट अ टाइम कर सकते हैं। आपसे आखिरी सवाल है, उसमें ये बताएं कि नौजवान इंजीनियर को क्या रिकमेंड करेंगे? नौजवान इंजीनियर्स के लिए यही है कि सबसे पहले आप सैलरी को या पैसों को ना देखें, काम करें, बेशक आपको फ्री करना पड़े, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़े, करें साल डेढ़, जब आपकी स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी और आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि मेहनत करें, अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, एक्सपीरियंस हासिल करें, आजकल के जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है रिगार्डिंग आपकी कोई भी फील्ड हो उसको सीखें, ड्यूरिंग स्टडीज़ सीख लें, ठीक है ना, तो ये आपको बहुत सारी हेल्पफुल हो जाती है रियल वर्ल्ड में आपको आने के लिए। और कोशिश करें कि अपना बिजनेस करें, इतना अपने आप को इतना काबिल बना दें कि एक अपना कारोबार करें, एक कारोबार वाला बंदा 100 बंदों के लिए ज़रिया मुआश बन सकता है, नौकरी वाला सिर्फ अपने घर के लिए महदूद रह सकता है, नौकरी वाला बंदे का जो टाइम होता है वो किसी और के हाथ में होता है, लेकिन कारोबार वाले का जो टाइम होता है वो अपने हाथ में होता है, 24 घंटे को किस तरह मैनेज कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन वो जॉब वाला नहीं कर सकता, वो मजबूर है कि मेरे 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी है, कभी ओवर टाइम मिले नहीं मिले, वो मजबूर है किसी और के हाथों में। तो कोशिश करें अपना कारोबार करें, सीखें, जॉब भी करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक टाइम के लिमिट के हिसाब से साल 2-3-4 उसके बाद अपना काम शुरू करें, इंशाल्लाह अपने काम में बरकत है। तो मेरा पैगाम नौजवान को लिए यही है कि अपना कारोबार करें और अपनी लाइफ को जो है ना चेंज जो है ना कारोबार से होती है, सैलरी से या उससे नहीं होती, और जॉब जो है अपनी वो ज़्यादातर स्ट्रेस में ही बंदा रहता है, बहुत सारे मसले मसाइल ये वो उधर की बातें इधर की बातें, वो बंदा जो है ना टेंशन में रहता है, डिप्रेस रहता है, अपने कारोबार का बंदा स्ट्रेस में ज़रूर होगा लेकिन टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाएगा। लाइफ कभी कभी ऐसे अच्छे मौके मिल जाते हैं कि उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, तो अल्लाह पे तवक्कुल करें और बिस्मिल्लाह करें कि अपना कारोबार की तरफ जो है ना बढ़े। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू आदिल अहमद, आपकी मेहरबानी, आपने अपने तासुरात जो एक्सपीरियंस है हमारे कुलीग के साथ शेयर किया। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।